हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। आप बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार का किस्सा बीजेपी की कहानी का भले एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन नीतीश की सियासी कहानी में अटल, आडवाणी और मोदी के किस्से की जड़ें बहुत गहरी हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। ये बातें अभी की हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। मुंबई में बीजेपी के जिस राष्ट्रीय अधिवेशन में आडवाणी ने अटल के नाम का ऐलान पीएम पद के दावेदार के रूप में करके सबको चौंकाया था, वहां मंच पर नीतीश कुमार को देखकर भी लोग हैरान थे। दरअसल राष्ट्रीय अधिवेशन से एक दिन पहले अटल और आडवाणी अपने दोस्त जॉर्ज फर्नांडिस की तबीयत पूछने अस्पताल पहुंचे थे, जहां नीतीश भी मौजूद थे। जॉर्ज ने नीतीश से आडवाणी को नीचे छोड़कर आने को कहा और आडवाणी ने नीतीश से बीजेपी की रैली में आने को कह दिया। जॉर्ज की सलाह पर नीतीश गए, बोले और कहानी में नया मोड़ आ गया। कुछ दिनों के भीतर बीजेपी और समता पार्टी का गठबंधन हो गया। समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन बेहद सफल साबित हुआ। इस गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव की जमी कुर्सी हिलाकर रख दी। पहले 1996 लोकसभा चुनाव और फिर 1998 लोकसभा चुनाव, दोनों चुनावों में इस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। नीतीश खुद दोनों बार चुनाव लड़े, जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। 1998 में अटल सरकार में तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी कोशिश हुई, मगर राज्यसभा में ये दाव गिर गया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ ले। 1999 में केंद्र में फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना ली। साल 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। लालू विरोधी कई दल सीट बंटवारे के मसले पर आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाए, लिहाजा नतीजे आए तो लालू के पक्ष में 124 सीटें और एनडीए को 122 सीटें मिली। बीजेपी ने दांव खेला और नीतीश को सीएम पद की शपथ दिला दी। जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें विफल होने के बाद नीतीश ने 7 दिन में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको लगता नहीं कि अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर थोड़ी बेहतर होती तो ये सब आपको लेन देन नहीं करना पड़ता? 3 करोड़ 1 करोड़ जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं, इसके बाद आप करते रहे लेन देन से सरकार कोई बनती नहीं, आपको लगता नहीं कि आपके कहता हूँ लेन देन से सरकार बनने तो उसके लिए एक व्यक्ति वहां पहले से मौजूद है और उनके सोहबत में उनके और लोग भी जो आजकल बयान दे रहे हैं वो भी प्रभाव में आ रहे हैं। नीतीश फिर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए। अटल बिहारी से उनके संबंधों का अपना फसाना है। गैसल रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने पद से इस्तीफा दे दिया और अटल जी के कहने के बावजूद उस वक्त इस्तीफा वापस नहीं लिया। इसी तरह गोधरा कांड के बाद नीतीश ने खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है, अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है, ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती। फरवरी 2005 में बिहार लालू के हाथ से निकल गया, लेकिन जीता कोई नहीं। विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। रामविलास पासवान ने सरेआम समर्थन के लिए कीमत मांगी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। लालू की पहल पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। नीतीश न्याय यात्रा पर निकल पड़े। इस बीच बीजेपी और जेडीयू को समझ आ गया कि स्पष्ट बहुमत के लिए लालू के मुकाबले एक चेहरा आगे करना होगा। भागलपुर की रैली में अटल जी को नीतीश के नाम की घोषणा करनी थी। अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी दी गई कि वो रैली के बीच में अटल जी को पर्ची देंगे ताकि वो भूल ना जाए। अटल जी ने पर्ची देखी और उस पर अपने साइन कर दिए, अलबत्ता अपनी बात कहते कहते ये ऐलान करना भूल गए। उसी शाम
बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान से जॉर्ज फर्नांडिस उखड़ गए। वो नीतीश के नाम के ऐलान के पक्ष में नहीं थे। वो एक दिन बाद माने जरूर, लेकिन उनकी नाराजगी ने नीतीश और जॉर्ज के बीच दरार पैदा कर दी। नीतीश ने पहले ही कार्यकाल के दौरान सुशासन बाबू के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और जातियों को साधने का हुनर भी सीख लिया। लेकिन ये दौर आते आते बीजेपी में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी थी। अटल बिहारी निष्क्रिय हो चुके थे और आडवाणी 2009 की हार के बाद कई नेताओं को बोझ लगने लगे थे। दो हजार 2010 में लुधियाना की रैली से आई इस तस्वीर ने नीतीश और बीजेपी की कहानी को नया मोड़ दे दिया। मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि नीतीश से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन नीतीश अपनी सेकुलर छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थे। इस बीच बिहार के कुछ नेता 2010 विधानसभा चुनाव में गुजरात मॉडल से चर्चा में आए नरेंद्र मोदी को उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बुलाना चाहते थे, और इस कड़ी में बिहार के कई अखबारों में मोदी नीतीश की हाथ उठाए तस्वीर वाला विज्ञापन दे दिया गया। नीतीश ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं को सरेआम खरी खोटी सुनाई, फिर बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए दिया गया रात्रि भोज रद्द कर दिया। He can go to any extent to demolish anybody. उन्हें अपने छवि का बहुत ख्याल रहता है और इसके लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि पलटू राम और ये वो सब, तो कोई भी नेता जो है वो अपनी कुर्सी के लिए करता है। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। हिंदू नेता की छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रखने की जिद में नीतीश ने मोदी के पीएम पद का दावेदार बनते ही एनडीए से नाता तोड़ लिया। समझते हैं कि मीडिया में छाकर हम कुछ हासिल कर लेंगे, ये बहुत बार हुआ है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं। देश की जनता कभी भी विभाजनकारी तत्वों को स्वीकार नहीं कर सकती है, और वो जो नजरिया है वो नजरिया देश को एक करने का नहीं है, देश को मजबूत करने का नहीं है, देश को कमजोर करने का नजरिया है, बांटने का नजरिया है। इसको इस देश की जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। जाहिर है नीतीश मोदी के इन तस्वीरों को देखकर नई पीढ़ी अंदाजा नहीं लगा सकती कि नीतीश की कहानी में मोदी पहले क्या थे। वैसे ये भी सच है कि 2013 से 2024 के बीच गंगा में बहुत पानी बह गया। बिहार में जेडीयू उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी, अब ऐसा नहीं है। फिर मोदी की कट्टर हिंदू छवि को 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों ने एक लोकप्रिय पीएम की छवि में बदल दिया है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन की धुरी बनने के बावजूद और बीजेपी के साथ ना जाने की बार बार बात करते हुए भी नीतीश को आखिरी पल में समझ आ गया कि उन्हें पाला बदल लेना चाहिए, और उन्होंने यही किया। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, अब बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। बहरहाल 2024 के चुनावी नतीजों ने नीतीश की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अब उनका अगला बड़ा इम्तिहान 2025 में होना है, और देखना यही है कि तब तक बीजेपी के साथ उनका रिश्ता किस करवट बैठता है।